चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, कल हम लोग आपको कोऑर्डिनेट्स में कुछ क्वेश्चन से भेजे थे, लगभग 40 क्वेश्चन के लेके सेट करते हुए, कि इस 40 क्वेश्चन को आप बना लीजिए, आपका 11th का टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्ट नहीं किया जाएंगे, जानते हैं तो भी नहीं, ठीक है। बस कोऑर्डिनेट हम लोग को 6 नंबर दिला रहा है, 6 क्वेश्चन दिला रहा है, 6 जगह 24 नंबर दिला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और 24 में हम एक नंबर को भी लॉस नहीं करना चाहते, वो 24 नंबर हम लोग को चाहिए, बहुत ही काम का है, बहुत सिंपल है और बनाया जा सकता है, ग्रिप कर सकते हैं हम लोग। मेरे को भी पसंद है और आपको भी पसंद होना ही चाहिए, अब मेरा स्टूडेंट आपको पसंद होना ही चाहिए, इसलिए वो 24 नंबर ग्रिप की। आज ऐसे हम लोग कुछ क्लास लेने का जरूरत नहीं था, ये तो आप टॉपिक जानते ही थे, लेकिन तब भी हम स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करते हुए चल रहे थे, ठीक है। आपको हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सिखा रहे थे। अभी तक हम लोग मेरे दो लाइन्स का इक्वेशन को कॉन्सेंट्रेट किए, एक का आपका वाई माइनस वाई वन बराबर This is m into, ठीक है, x minus x1, m बराबर tan theta, या एक ऐसा वाला भी y बराबर mx plus c, तो भी कुछ क्वेश्चन बना होगा। और एक तीसरा फॉर्म y minus y1 बराबर y1 minus y2, x1 minus x2 और x minus x1, ठीक है। ये तीन लाइन का इक्वेशन यूज किया। अब एक दो लाइन और जो बचा हुआ था और उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलना। ठीक है, देखो अगला फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। एक इंटरसेप्ट फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म याद है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट काटे, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काटे, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट काट रहा है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन। एकदम सिंपल फॉर्म है, जरा सा भी दिक्कत का लाइक नहीं है, तो आपको भी मालूम है कि आप फॉर्म इजी है, संभाला जा सकता है, तो और संभालते हुए स्टार्ट करें। अगर कोई लाइन x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट काटे, तो लाइन का इक्वेशन होता है x by a plus y by b is equal to 1, x by a, ठीक है। इस फॉर्म का हम लोग यूज कब करते हैं, जरा याद करो कि इस फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब या तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट दिया रहे या इंटरसेप्ट के बीच में किसी तरह का रिलेशन दिया रहे, इंटरसेप्ट दिया रहे या इंटरसेप्ट के बीच में किसी तरह का रिलेशन रहे। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए जो x एक्सिस पर दो और y एक्सिस पर तीन का इंटरसेप्ट काट रहा है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x by 2 y by 3 is equal to 1, हो गया। अगर यही क्वेश्चन जहां जाए कि x के पर, ठीक है, चार और y एक्सिस पर माइनस थ्री का इंटरसेप्ट काटे, तो ड्रॉ करने में दिक्कत होगा, ये y का वैल्यू माइनस थ्री, x का वैल्यू 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, x by 4 plus y by minus 3, y by minus 3 is equal to 1, इसे तो याद होगा ना, तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। बस अब बोले कि इंटरसेप्ट के बीच में अगर किसी तरह का रिलेशन भी दिया रहा तो आप इस फॉर्म को यूज करना पसंद करते हैं। जैसे कहा जाए कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए, ठीक, बस स्ट्रेट लाइन निकालिए जो किससे पास कर रहा है, 2, 3 से, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए जो 2, 3 से जा रहा है, एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन द वे लैंग्वेज, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, y एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और y एक्सिस पर जिसका जो इंटरसेप्ट है वो x एक्सिस के इंटरसेप्ट का डबल, अड़ेगा y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो x एक्सिस के इंटरसेप्ट का डबल। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट मतलब सिंबल में b, x पर इंटरसेप्ट मतलब a, क्या लिखा हुआ है, बी इज बराबर है ट्वाइस मतलब डबल, सो बी बराबर क्या हो गया, टू ए, तो लेसन दिया हुआ है, आप शॉर्ट कर लो, क्या माने ए और बी, और यहाँ बी का मान कितना है, टू, इतने क्वेश्चन कहा, ठीक है। कहा कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए जो 2, 3 से होता हुआ जा रहा है और एक्स एक्सिस पर जो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट का डबल, तो आप इसको लेके बढ़ा देता, अब इसको लेके बढ़ा दो, क्या हो जाएगा जी, x by 2, देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x by a plus y by b is equal to 1, b बराबर कितना है, 2a, b बराबर 2a, लो LCM ले लो, तो 2x plus y बराबर 2a, अब this is passing through 2, 3, पास कराओ, 4, 3, 7, 2a, so 2a बराबर 7, लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, 2x plus y बराबर 7, thus is the equation of straight line, ये स्टूडेंट का इक्वेशन है, तो दिक्कत तो लाइक नहीं क्वेश्चंस,
ठीक है क्या बोला जाए, फाइंड द इक्वेशन द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो पास कर रहा माइनस थ्री, जो पास कर रहा थ्री और माइनस फाइव से, थ्री और माइनस फाइव से, ठीक है ऐसा ही क्वेश्चन कहा जाए, और कहा जाए दोनों एक्सेस पर इक्वल और पॉजिटिव इंटरसेप्ट काट रहा है, इक्वल और पॉजिटिव मतलब फिगर कुछ ऐसा, जरूरी नहीं कैसे बनेगा, ऐसा तो हो सकता था ना, बराबर रहा इक्वल और पॉजिटिव। सो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, बी का मान ए के बराबर वन, एक्स प्लस वाई बराबर ए, पास कर रहा है थ्री और माइनस फाइव से, ए बराबर कितना हो गया माइनस टू। सो लो यह आपका रस, अडिक बस यह आपका रस थ्री और माइनस फाइव से, ठीक है इक्वल तो हो गया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, थ्री और फाइव से माइनस से रहा, इसलिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं, दोनों पर इक्वल इंटरसेप्ट माइनस टू और माइनस टू का इंटरसेप्ट काट रहा होगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन देखो तो बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अब इसको आप पॉजिटिव बोल रहे कारण क्या, अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोलता ठीक बात, ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू, ए का वैल्यू माइनस टू, ठीक है ना कि हाँ देयर इज नो एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल, सो नो सच लाइन कैन बी ड्रॉन, नो सच लाइन कैन बी ड्रॉन विच मेक्स इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। ठीक है ए का वैल्यू माइनस टू है, सो रिजल्ट जाता है यहीं पर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो तो ये बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री फोर, जो थ्री फोर से होता हुआ जा रहा है एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है ठीक है, एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेसेस। लैंग्वेज को पूरा बढ़िया सुनो, क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्री फोर, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो थ्री फोर से होता हुआ जा रहा है एंड मेक्स ठीक है एंड पास थ्रू थ्री फोर एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेक्स सॉरी दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेसेस एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेसेस, और ये जो पॉइंट्स है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लोग क्या मानो, ए और बी इंटरसेप्ट, पॉइंट क्या हो जाएगा ए जीरो और जीरो बी, तो बताओ ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का फायदा लो, सो ए बाई टू और बी बाई टू, तो क्या आप इसे ए का मान निकाल लिए, ए का मान कितना आ गया सिक्स और बी का मान कितना आ गया एट, ए का मान सिक्स और बी का मान एट, सो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया एक्स बाई सिक्स वाई बाई एट इज इक्वल टू वन, एकदम प्लेन क्वेश्चन है ना जी, एकदम सिंपल है सब, तो क्या आधा मिनट बन जा सकते, अगर यही क्वेश्चन कह दे यहाँ पर मिड पॉइंट की जगह पर यह कहता कि विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो थ्री टू फाइव, नहीं बना लेगा आराम से बन जाना चाहिए, आपसे ही बन जाएगा, जितना तेजी ला सकते हो लाना बेहतर रहेगा, फायदा रहेगा कि आपका कैलकुलेशन तेज हो सकेगा। ठीक है लेक्चर लास्ट एक फॉर्म पढ़ाए थे नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म याद है कि अगर कोई लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए ठीक बस, और ये परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, सो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, सो ये लाइन का इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्म। इसके लिए क्या चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जब तक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं रहेगा हम फॉर्म यूज ही नहीं करेंगे, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होना चाहिए, और दूसरा अल्फा, अल्फा क्या है परपेंडिकुलर लाइन मेक्स परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट लाइन का टुकड़ा मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है हम लोग पीछे पढ़ा देंगे कोई स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितना एंगल बना सकता है 180 डिग्री, तो अल्फा का मान कहां तक हो सकता है नहीं 180 नहीं, अल्फा का मान 0 से लेकर 360 तक पूरा, देखो ये लाइन सेगमेंट है ये पीछे नहीं जा रहा ना यहीं से घूम रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, तुम लाइन ऐसा भी सोच सकता है, ये लाइन हो सकता है, तुम इस लाइन के बारे में भी सोच सकता है, यहाँ पर देखो अल्फा का मान इतना बड़ा, तुम इस लाइन के बारे में सोच, तो यहाँ पर अल्फा का मान 180 से बड़ा, तुम इस लाइन के बारे में सोचो ठीक है ऐसा किस है, तो यहाँ पर अल्फा का मान इतना, तो अल्फा का मान 0 से लेकर 360 तक जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है लेकिन 0 से 360 तक, वही स्ट्रेट लाइन कितना बना सकता था 0 से 180 तक, और ये
जीरो से लेकर 360 तक। अब क्वेश्चन समझो, क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज टू। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए जिस पर ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका लेंथ 2 के बराबर हो। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए जिस पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इसका लेंथ पी। पहले फिगर नहीं बनाते, ठीक है, पहले फिगर नहीं बना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 2, एंड परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान देना, परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स भी दे सकता है, कुछ भी देगा। देखो एक ऐसा लाइन चाहिए जो, ठीक है, लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो फिगर बना दो। ठीक है, एक ऐसा लाइन चाहिए परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई के साथ 30 डिग्री, ठीक बात। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा अगर कभी एंगल दे दे, एकदम दिमाग बढ़ा लो, क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा अगर दिया हुआ रहे तो ओरिजिन को रेफरेंस मान लेना, ये रेफरेंस पॉइंट, यहीं पे डॉटर खींचना, डॉटर वाला कंसेप्ट जो है ना यहीं पे खींच लेना। आप कितना बोला वाई के साथ 30, तो यहां से 30, ये लाइन सेगमेंट हुआ, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हुआ, और ये रिक्वायर्ड लाइन हो गया, दस अल्फा का रिक्वायर्ड लाइन। तो बता अल्फा का मान कितना हो गया, ये 30 है ना, 30 दिया हुआ है, तो ये अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। सो अल्फा का मान क्या हो गया 60 डिग्री, और पी का मान कितना हो गया 2। सो पी मिल गया, अल्फा मिल गया, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन, बताना चाहिए बस। अगर यही चीज क्या बोला चले, ध्यान देखो, अगर परपेंडिकुलर की जगह पर रिक्वायर्ड लाइन के बारे में दिया जाता है कि रिक्वायर्ड लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिक्वायर्ड लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, तब क्या होगा, तब देखो फिगर में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन रिक्वायर्ड लाइन देगा तो आप थोड़ा ओरिजिन ही लेना, बाएं दाहिने तरफ या बाएं तरफ या ऊपर या नीचे कैसे ले सकते हैं, दो सिचुएशन लेना होगा, हम ये दोनों ले रहे हैं यहीं पर लेंगे। इस सिचुएशन पे देखिए डॉटेड वाला कंसेप्ट यहीं पे खींच दिए, खींचा के बस अब वाई से था 30 डिग्री, नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, रिक्वायर्ड लाइन, परपेंडिकुलर तो हमेशा ओरिजिन से आएगा, अब तुम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करो ओरिजिन से, तो इतना बड़ा अल्फा, ये आपका अल्फा, ठीक बस। और इस फिगर को अगर एक और देखता है तो देखो ये वाला सिचुएशन यहां पर लेता है, तो यहां से 30 डिग्री ये आपका स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड लाइन, और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल इसमें अल्फा, और ये वाला एंगल अल्फा, ठीक है बस। बोलो बस, कब दो फिगर कब एक फिगर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको, ठीक बस। अल्फा का मान कितना होगा जोड़ लग रहा है, आप मेरा हेल्प चाहिए होगी, ये आपका 30 है, आप देखा ज्योमेट्री है, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लो, 30 डिग्री ये वाला थोड़ा सा नहीं लगेगा, ये 30 ये वाला 30 होगा, ये वाला 30 होगा, ये वाला 30, अगर ये 30 तो ये 60 नहीं जी, अगर 60 ये 90 ये वाला 30, पूरा कितना हो गया, पूरा 360 में से 30 गया, मतलब 330 हो गया, यानी अल्फा का वैल्यू तुम 330 लिख सकता है या -30 लिख सकता है, तेरा मर्जी। और पी का मान कितना हो गया, क्या आप स्केयर को देख सकते हैं, बताओ स्केयर के बारे में सोच सकते हैं, ये फिगर बताओ क्या हो सकते हैं, ठीक बस इस फिगर में डिस्क्राइब कर लो कि क्या आना चाहिए, क्या लेगा तुम इसको, ठीक है। तो इसको अगर देख लो तो कितना हो जाएगा जी, ठीक है बस, अगर तुम्हारे पास जोड़ो ना सब हम ही कर लेंगे, तुम लोग क्या करेंगे, ये 30 तो ये वाला कितना हो गया 60 ना, ये 90 तो ये वाला 30 तो ये कितना हो गया, पूरे 180 में 30 कम है मतलब 150, सो इसके लिए क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू 150 और पी बराबर 2। लो अब इससे आप इक्वेशन लिख देना तो ये दूसरा स्ट्रेट लाइन आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको डिस्कस कीजिए तो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बात। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। 30-40 तक कल आपको दिए थे क्वेश्चन, आधा तो आज ही कल ही बन गया होगा, आधा आज बना लीजिएगा, तो पूरा पूरा कंसेप्ट हम लोग के हाथ में आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का पहला मैंने 11th का कंसेप्ट हम लोग का रिवाइज, 11th का कंसेप्ट करें, 11th का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखें, अभी 11th खत्म नहीं हुआ, 11th पूरा है, कॉम्पिटिशन सेक्शन और कोऑर्डिनेट वाला में ज्यादा अंतर नहीं है,
इलेवंथ अगर ठीक है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ तो ट्वेल्थ का कंपटीशन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है मान लो हम चार पाँच महीने, चार महीने के लिए चले गए, एक महीना हम लोग रिव्यू में लगेगा, फिर बाकी तीन महीना बहुत है हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पूरे उसको मैंने थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कि तो मेरे पर डिपेंड हो, हम बनाए तो बनाया, आपने बनाया तो कुछ नहीं किया, तो थोड़े होगा। आप उसको फिगर बनाओ, सिचुएशन समझो और ड्रॉ कर दो तो बन जाएगा। ठीक है थोड़ा सा मजा लेने की कोशिश करो, पूरा बिजी लाइफ का अनुभव करो, थोड़ा सा देखो इसको फील करो सिचुएशन और तब बनाते भी चले तो बन जाए ना। एकदम पर डे काम पर डे यानी कैरी ओवर कर रहे हैं, दूसरा दिन का कोई महत्व नहीं है, एकदम पर डे काम पर डे कीजिए और कमांड में आ सकता है। ठीक है इतने ही काफ़ी है आज के लिए, इतने काफ़ी। ठीक है थैंक यू।